भारत चाहे पाकिस्तान के लिए कितनी भी नरमी बरत ले, लेकिन पाकिस्तान है कि उसे अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आती। इस बार फिर उसने भारत के नर्म व्यवहार का फायदा उठाया और भारत की ओर से एयर स्पेस इस्तेमाल करने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब तक पाकिस्तान की हरकतें नजरअंदाज की गई, लेकिन पाकिस्तान ने समझ लिया है कि वो कुछ भी करेगा और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए अपनी कायराना हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आता। हर बार वो भारत को उकसाने का काम करता आया है। भारत की इतनी नरमी बरतने के बावजूद भी पड़ोसी मुल्क बाज नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान को इज्जत रास नहीं आ रही है। इस बार अब पाकिस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपना एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया है। पीएम के सऊदी अरब दौरे के लिए भारत ने पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। इस पर आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने भारत का आग्रह अस्वीकार तो किया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ओर से यह सूचना देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के उस अनुरोध को मंजूर नहीं किया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब दौरे के लिए उनके विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति मांगी गई थी। ऐसी हरकतें करके पाकिस्तान खुश तो बहुत होता है, लेकिन बदले में उसे लोगों की आलोचना ही मिलती है। इमरान खान खुद अब तक 5 बार सऊदी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब जब पीएम मोदी सऊदी जा रहे हैं तो इमरान सरकार के मंत्रियों को मिर्ची लग रही है। भारत सरकार ने पीएम मोदी के विमान के लिए 28 अक्टूबर को पाकिस्तान के एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। पीएम मोदी 29 अक्टूबर को होने वाले एक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब जाने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकतों पर कब तक शांत रहेगा। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के इस कारनामों की ICAO में शिकायत दर्ज की। ICAO द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य देशों को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस प्रदान की जाती है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत के सितंबर माह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मौजूदा हालत में पाकिस्तान भारत को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकता। उस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के दौरे पर गए थे। अब फिर एक बार पाकिस्तान ने इस कायराना हरकत को दोहराया है। पाकिस्तान को विश्व भर में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियमों से मुकरने के अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। साथ ही एक तरफा कार्रवाई को गलत तरीके से पेश करने की अपनी पुरानी आदतों पर भी विचार कर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, बाज आने वाला कहाँ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।